हाय फ्रेंड्स, स्वीटी चैनल में आपका स्वागत है। आज छुट्टी है तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं इंदौरी पोहा। इंदौरी पोहा का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंदौरी पोहा कैसे बनता है। तो आइए चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। तो पहले हमने पोहा ले लिया और उसको एक पानी से धो लिया। अब इसको छलनी में रख देंगे हम छान कर पानी। इसमें हमने हल्दी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी चीनी मिला दी। करी पत्ता भी धो के रख लेंगे और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट लेंगे और आलू को बाद में काटेंगे। पहले हम तेल गरम करके उसमें मूंगफली को फ्राई करेंगे। मूंगफली को अच्छे से तल के हम अलग से रख लेंगे। सरसों डालेंगे, सरसों को अच्छे से तड़का लगाएंगे। साथ ही साथ हम जीरा और सौंफ भी डालेंगे। फ्राई करेंगे, थोड़ा अच्छे से चटक जाए तब तक फ्राई करेंगे। थोड़ा सरसों कम था इसलिए फिर से और थोड़ा सा सरसों हमने डाल दिया। इसकी अच्छी सी स्मेल आने लगती है। अब हम इसमें जो प्याज काट के रखे थे उसको हम डालकर भूनेंगे। प्याज को हम पिंक होने तक ही भूनेंगे, लाल नहीं करेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच और फिर उसे चलाएंगे थोड़ा। जो हमने आलू काट के रखे थे उसको इसमें हम डाल देंगे और इसको थोड़ा पकने तक भूनेंगे। अब हम नमक भी डाल लेंगे। धनिया को हमने धोकर साफ करके रखा था और उसकी जो डंठल होती है, जो नरम होती है, उसको हम फेंकेंगे नहीं। नरम जो उसकी डंठल होती है उसको हम काट के डाल देंगे इसमें। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक कि आलू ना पक जाए। आलू पक चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। आलू अभी आधा ही पका है, इसमें हम टमाटर काट के जो रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम चलाएंगे थोड़ी देर तक।
इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी जीरा पाउडर। अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। स्वाद लाने के लिए हमने इसमें मैगी मसाला डाला हुआ। इसमें हम अब कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न जो हम पोहे में डालते हैं, मूंगफली कॉर्न, इससे पोहे का स्वाद और बढ़ जाता है। और इंदौरी पोहे में जो भी चाहे आप डाल सकते हैं। अब हमने जो पोहे को भिगो कर रखा था वो अच्छे से फूल चुका है, इसमें हम डाल देंगे। ऊपर से मूंगफली आखिर में डालते हैं, मूंगफली को आखिर में डालिएगा। धनिया को डालकर अच्छे से थोड़ा भूनने के बाद आखिर में इस पर हम मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को डालकर हमें इंडक्शन या गैस जिस पे भी पका रहे हैं उसको बंद कर देना है। और फिर देखिएगा ऊपर से आपके पास जो सेव होगा वो डालकर इसको खाइएगा, तो आपको बहुत ही स्वाद